ओके सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ टेसरीज वन। ये जो टेसरीज वन थी हमने चैप्टर टू जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है इसका हाफ पार्ट हमने लिया है, राइट। सो फर्स्ट हाफ हाफ पार्ट हमने लिया है इसका, राइट। सो हाफ पार्ट में जो हमने चार क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं वो देखिएगा। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है आपका जो इस तरीके से लिखा था, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2013। देयर कैपिटल वर ए का 50,000 बी का 30,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। दे अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹74,000। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर, देखिए इनके पास प्रॉफिट आपके पास 74,000 गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज 6% पर एनम, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। ए को कमीशन देनी है 2% ऑन टर्नओवर, बी को सैलरी देना है ₹500 पर मंथ, बी को कमीशन देना है 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग ऑन कमीशन, मतलब बी की खुद की कमीशन भी माइनस करनी है और ए की कमीशन भी माइनस करनी है। ए को रेंट देना है ₹2,000 पर मंथ के हिसाब से फॉर द यूज ऑफ हिज प्रमाइसेस बाय द फर्म। इट इज पेड टू हिम बाय चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, राइट। अब देखिएगा आप इसके बाद आगे, पार्टनर्स की ड्रॉइंग 8,000 और 6,000 रुपए आपसे पूछा गया है। टर्नओवर 3 लाख बता दिया और बोलता है कि सारे फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने हैं, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, सो इनकी जो आपके पास ए की और बी की जो सैलरी है ना, ये 3,000 के अकॉर्डिंग ही करना है ना आपके पास। इसमें 3,000 ही लिखा है, वैसे 30,000 होना चाहिए था। बी का जो कैपिटल है वो 30 होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आपके पास जो क्वेश्चन है अपन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आंसर नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पूरा जब हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो हमें ऑलमोस्ट सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। FYE भी नहीं चलेगा आपको, तो पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ डेट 31 मार्च 2014 है तो 2014 ही रखना है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट यहाँ पे लिख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका नेट प्रॉफिट जो है 74,000, राइट। अब इसमें आपको रेंट आपसे पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए। सो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए क्या, आपकी मर्जी। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके भी इसे सॉल्व किया है इक्वली गुड है, लेकिन मेरे से जो क्वेश्चन पूछता है मैं सिर्फ उसी के ऊपर चलता हूँ। सो यहाँ पर जो 74,000 है इसको मैं इनर वाली साइड में रख करके इसमें से पार्टनर्स को जो आपने रेंट पे किया ना वो माइनस कर दूं। रेंट किसको पे किया, ए इज एंटाइटल टू रेंट, तो रेंट टू ए 2,000 पर मंथ का 12 महीने का 24,000, 24,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, 50,000 का आपका नेट प्रॉफिट बचता है, ठीक है। अगर आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके किया है इक्वली गुड है, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट एंड लॉस के आपने डेबिट में रेंट दे लिखा है 24,000 का, सर टू नेट प्रॉफिट आपने 50,000 ट्रांसफर किया है, इक्वली गुड। बोलिए क्या कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ पे सर रेंट ऑलरेडी पेड है ना सर, महीने के हर उसमें, तो सर कहा वापस लिखा अपन रेंट ऑलरेडी डिडक्ट कर पेड रहे है, हैं सर, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सर हर महीने के एंड में। अच्छा नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट ऑफ 75,000 दे रखा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है इट मींस रेंट ऑलरेडी पेड है, राइट। मैंने इस चीज को देखा नहीं है, रेंट जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में 74,000 नेट प्रॉफिट दे रखा है। ओनली प्रॉफिट वर्ड होता ना तो मैं माइनस करता इसे, राइट। अगर आपके पास ओनली प्रॉफिट वर्ड होता सो माइनस करता। सो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखा है आपके पास नेट प्रॉफिट 74,000 दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखिए, ये आफ्टर चार्जिंग रेंट है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रेंट लिखते हैं क्योंकि रेंट पेड टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। सो दैट्स वाई जो रेंट आपने पार्टनर को पे किया है वो 24,000 डिडक्ट करने के बाद 74,000 आ रहा है, क्लियर है। सो ये नेट प्रॉफिट दिया है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे लेस नहीं करना जो हमारा रेंट है वो। जो हमें इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे वो आप दे देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी है विदाउट इंफॉर्मेशन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो 6% ऑफ 50,000 3,000 आएगा, और वैसे 30,000 का 6% होना था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, 3,000 ही है, तो 3,000 का 6% 180 रुपीज ही हम लोग फिलहाल काउंट कर रहे हैं, 3,180 आ रहा है, राइट। और इसके बाद आपके पास ए को कमीशन देना है 2% टर्नओवर पे, तो टू
कमीशन और बी की सैलरी भी है, पहले सैलरी लिख दूं, टू सैलरी ये देनी है बी को, तो बीस कैपिटल 500 × 12, 6,000 का सैलरी हो गया। टू कमीशन देना है, अब क्या कमीशन में पॉइंट्स पाएंगे थोड़े से फिगर, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ठीक है। सो ए और बी की कैपिटल में आपको कमीशन, पहले ए को कमीशन देना है 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर अगर आप देखेंगे सो ये है आपके पास 3 लाख गिवन, 3 लाख का 2%, 6,000 रुपीज तो इसकी कमीशन हो जाएगी। और इसे वर्किंग नोट वन से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट वन से कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। वर्किंग नोट नंबर वन, बी का कमीशन, देखिए बी की कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। 74,000 में से ये सब लेस करो, 74,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ए की कमीशन, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15,180 अगर हम लोग लेस करें इसमें से। सो ये जो मेरे पास फिगर आएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से बन गया 8, 3 में से 13 में से 5 गया 8, 6 में से बन गया 5, 58,820 आता है। अब 58,820 का हमें निकालना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, है ना। तो 5/105, ठीक है, 5/105 क्यों आया, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ने लिखा है आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन लेनी है हमें, जो कमीशन लेनी है बी की, राइट। सो 58,000 मैं इसे डिवाइड मार करके दिखा देता हूँ आपको कितना आता है। वेट करना एक बार, 58,000, 58,820 डिवाइडेड इनटू 5/105। सो बेटा ये लगभग 2,800 रुपए के आसपास आता है, एग्जैक्ट 2,800.95 आता है। तो 2,800 हम लोग ले रहे हैं, 2,801 भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट पे इतना, ठीक है। सो 2,800 रुपीज विल बी दी कमीशन ऑफ बी, राइट। इतना सॉल्व करने के बाद बाकी आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी में जाएगा आगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट कितना बचेगा, ये जो आपने माइनस किया 58,820 में से 2,800 फिर माइनस कर दो, -2,800, क्योंकि इसमें से ये तीन चीजें लेस करने के बाद 58,820 आ रहा था, इसमें से 2,800 और माइनस कर देंगे तो 56,020 आ जाएगा। और 56,020 को 3:1 में बांटना है अपने को, डिवाइडेड बाय 4 × 3, 14,005 तो इसका आ गया, और इनटू 3 ये आ जाएगा 42,050, राइट। सो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 56,020 रुपीज। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपके सामने है, आपको इसके साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। जब कैपिटल बनाएंगे तो बस एक चीज छोटी सी और ध्यान रखनी है, ड्रॉइंग्स लिखना है बस डेबिट में हमें, ठीक है। सो ठीक है, एक बार आ जाइए, हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं। देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, सेम चीजें आएंगी, जो चीजें आपके पास मेंशन है ये चीजें आपको आपके पास नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं भी नोट कर लेता हूँ एक बार, ताकि फिगर्स मुझे याद नहीं रहेंगे तो मैं लिख सकूं। अब इसके बाद सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है मुझे। इस कैपिटल अकाउंट में आंसर वन, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दो दो कॉलम्स बना देंगे, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स ए बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर वाई बैलेंस बी डी 50,000 और 3,000, क्या क्या देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3,000 और 180, सैलरी देना है, ठीक है। सैलरी कितना आया था, सैलरी हमने बी को देना है 6,000, कमीशन देना है बाय कमीशन
एक आया 6,000, एक आया 2,800 रुपये। ठीक है जी, ये आपका ऑलमोस्ट क्रेडिट साइड कंप्लीट होता है। इसमें एक सिर्फ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख करके प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। सो 4,20,15। सर 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 हाँ जी, रेंट हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं, आएगा क्या? रेंट नहीं आएगा। यही चीज थी इसमें, जो पार्टनर को आप रेंट पे करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। ये कैपिटल को इंक्रीज नहीं करता है, याद रखना। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर, ओके, वेट कीजिएगा। हाँ जी ठीक है, इतना समझ आता है आपको। ये रेंट पेड टू पार्टनर्स जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में नहीं आएगा, बिकॉज ये पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है। ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक एक्सपेंस है। यहाँ पे रेंट नहीं आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। रेंट भी नहीं आता है अगर किसी पार्टनर को आपने इंटरेस्ट दिया उसके लोन पे, वो भी नहीं आता है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, हम लोग डेबिट में लिखेंगे जो ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स आप देखिए, क्वेश्चन में लिखे भी है 8,000 और 6,000, ये लिखेंगे। कोई और लॉस कॉस्ट तो है नहीं, ठीक है। ड्राइंग्स के बाद बस खत्म हो गया। यहाँ पे बैलेंस शीट लिख, ठीक है। ये बैलेंस शीट आ जाएगा आपका 50 और 3, 59, 59, 99, 1,015, 1,015, और इधर आएगा 3,69,9 और 11, 11, 25, 25, 985, 25, 985, राइट। टोटल एक बार फिर से कर लेते हैं, 6 दिन 9, 9 दो 11, 11 और 4 15, 25, 25,800, 980, 985। यस, इसमें से माइनस कर दीजिए 1,01,000 में से 8,000 जाएगा, 93,015 रुपीज, और इसमें से 85 में से 6,000 या 19,985, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस शीट, राइट। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। 01015 और 2598, ठीक। इसे अपने पास स्क्रीनशॉट ले ले। मैं भी ले लेता हूँ आपके लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, आपने ले लिया होगा, समझ आ गया आपको क्वेश्चन। ऑलमोस्ट आपको आपके मार्क्स भी पता चलते जाएंगे। मार्क्स आपको मैंने बता दिया, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रखा था शायद, या 5 मार्क्स का रखा था। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सो 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का पेपर था ये। सो फर्स्ट में जो आपके 5 मार्क्स हैं वो 2.5 मार्क्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के और 2.5 मार्क्स पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है, क्लियर है। जिसका जो करेक्ट हो मार्क्स अपने अकॉर्डिंग असाइन करते जाना, ठीक है। बाकी मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन 1 कंप्लीट, क्वेश्चन 2 पे आइए। क्वेश्चन 2 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन 2 सेज, नीचे मैं एक बार बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है क्वेश्चन 2 में। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ओपनिंग कैपिटल 2,10,000 रुपए और 90,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। ए और बी की, ए की कैपिटल 2,10,000, बी की कैपिटल 90,000। यहाँ जो बात अंडरलाइन करनी है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ऑन 1 अगस्त 2016, अगस्त 2016 को दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कह रहे हैं इनकी कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, राइट। सो नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। आइए देखिए, इसमें सबसे पहला वर्किंग, इनकी जो कैपिटल है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। सो सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल चाहिए, इनकी टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ये कितनी है, 2,10,000 प्लस 90, ठीक है, ये हो जाएगी 3 लाख रुपए की कैपिटल। अब इनकी कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो 1 अगस्त को इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ऑन 1 अगस्त 2016 कैपिटल शुड बी
कितनी होनी चाहिए 1 अगस्त 2016 को? 3 लाख ए की कैपिटल होनी चाहिए, 3 लाख इंटू ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 यानी 2 लाख रुपए, और बी की कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख इंटू 1/3, सो ये हो गई 1 लाख। ठीक है, इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये वर्किंग नोट बन आ गया हमारा, ये इनकी कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए 1 अगस्त को। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो बनता है, देखिए ओपनिंग कैपिटल 2-10 है इनके पास, देखो इस तरीके से समझना ए और बी, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ अभी तक से, इनकी ओपनिंग कैपिटल कब की है? 1 अप्रैल 2016, इस दिन इनकी कैपिटल है 2,10,000 रुपये, तो इसकी है ए की, बी की है 90,000, और 1 अगस्त को, अब 1 अगस्त के डेट पे इसकी 2 लाख होनी चाहिए, मतलब ये 10,000 विड्रॉ करेगा, कब करेगा? इसे हम लोग कहेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, कब करेगा? 1 अगस्त, ठीक है, 2016 में। और इसके बाद इसकी है 90,000 रुपये, इसकी होनी चाहिए 1 लाख, तो ये 10,000 रुपये इंट्रोड्यूस करेगा, ये एडिशनल कैपिटल लगाएगा जो बी है वो, सेम डेट पे 1 अगस्त को। ठीक है, ये डिफरेंस है बस, बाकी और कोई बात नहीं है। आगे जो हम लोग करते हैं 12% का कैलकुलेशन वो करके दिखा देते हैं। एक बार इतना वर्किंग नोट बना लीजिए, वर्किंग नोट बना और तो लिख लीजिए अपने पास। इस 2 लाख के फिगर से पता चलेगा कौन इंट्रोड्यूस करेगा और कौन निकालेगा। ठीक है जी, हटा दें, आइए यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, पहले ए की कैलकुलेट कर दें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ए की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट की रेट कितनी बताई है? 12% पर एनम। आईयूसी की जो रेट है वो 12% पर एनम। ठीक है, देखिए 1 अप्रैल 2016 से 1 अगस्त 2016 तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल वाला पूरा महीना लेना, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, अगस्त तो स्टार्ट हो रहा है। सो इसकी कैपिटल है 2,10,000, तो फॉर्मूला इज कैपिटल इंटू जो रेट है वो इंटू कितने मंथ के लिए, सो 4 मंथ के लिए तो इसकी यही कैपिटल थी। अब 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च 2017 तक इसकी कैपिटल हो जाएगी 2 लाख। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहनी 12% इंटू 8 मंथ का, आप देख लो टोटल 12 महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चाहिए, 4 महीने की तो इस 2,10,000 पे, बाकी का 8 महीना, 8 महीने की 2 लाख पे निकाल लीजिए। 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 2100 8,400, 8,400 रुपीज, तो ये आ गया एक 8,400, तो ये आ गया और इसका निकलेगा 12 से 12 कैंसिल, 20 से 20 16,000, 16,000 तो टोटल आ जाएगा 24,000, 16 और 24, 24,400 रुपये आ जाएगी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। ठीक है, अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो आप समझ सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 1 मार्क्स का है। ठीक है, और ये इस ए की कैलकुलेशन 2 मार्क्स की और बी की कैलकुलेशन 2 मार्क्स की। स्क्रीनशॉट ले लें पहले इतना। ले लिया होगा, आ जाए नेक्स्ट। ठीक है, देखिए अब ऐसे ही बी की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बी की 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक 2-10 नहीं है, इसकी कैपिटल अब 90,000, इसकी कैपिटल 90,000, 90,000 का वही 12%, वही 4 मंथ का। ठीक है, 12 से 12 कट कर दो, 20 से 20 गए, 9 चौक 36, 3,600 रुपीज तो ये आ गया, और अब इसकी कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख का 12%, 8 महीने का 12 से 12 कैंसिल, 8,000 रुपये आ गया, सो टोटल विल बी 11,600। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, राइट? आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 20-22 मिनट में। स्क्रीनशॉट लेते जाए भाई। चलें आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरीके से लिखा है, देखिएगा,
ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विच वर ₹6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। भाई हमारे पास ये और भी दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 6 और 4 लाख रुपीज दी हुई है ओपनिंग कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, पार्टनरशिप डीड में लिखा है बोथ पार्टनर्स विल गेट मंथली सैलरी 20,000, दोनों पार्टनर्स को हमें सैलरी देना है ₹20,000 पर मंथ का, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 8% पर एनम के हिसाब से, ठीक है जी। ए विल गेट अ क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म। ए को 24,000 रुपीज का क्वार्टरली रेंट मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हम यूज में ले रहे हैं, राइट। ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को ए है एंड बी ग्रांटेड लोन ऑफ ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों ने फर्म को लोन दिया, 1 लाख का ए ने दिया, 50,000 का बी ने दिया जुलाई में। और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 द फर्म इनकर्ड अ लॉस 17,250, 17,250 का लॉस हो गया। ये कोई भी एडजस्टमेंट हमने नहीं किया। आइए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए जब लॉस होता है तो किसी प्रकार का कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है ना। सो आंसर थ्री, जो हमारा आंसर नंबर थ्री है, उसकी पहली लाइन ये है, इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोप्रिएशन विल बी मेड। हम पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, मतलब ना तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना सैलरी देंगे। हाँ, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स है उन्हें ट्रीट किया जाएगा। इन दिस केस ओनली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स विल बी ट्रीटेड, राइट। सो आप देखिए यहाँ पे लॉस है, सो लॉस को आप बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चे उलझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करते। कॉन्सेप्ट है लॉस का केस है तो अप्रोप्रिएशन होना ही नहीं है बेटा। आप अप्रोप्रिएशन कब करते हैं, लाभों को कब बांटते हैं, प्रॉफिट्स को कब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब आपके पास प्रॉफिट होंगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लॉस के केस में कैसे आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने लगेंगे, राइट। सो ये चीज को ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर आपके पास लॉस लॉस दिया हुआ है 17,250 का। रेंट हमें देना है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट 24,000 के हिसाब से 24,000 एक क्वार्टर का, चार क्वार्टर का 96,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है पार्टनर्स को, जिन्होंने हमें क्या दिया, बिजनेस को लोन दिया ना जुलाई में। सो ए और बी, ए और बी का लोन कितना बनता है, लोन पे इंटरेस्ट कितना बनता है, इस चीज को आप यहाँ देखेंगे वर्किंग नोट वन में। विदाउट इंफॉर्मेशन लोन के ऊपर आपको पता है 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ए ने लोन दिया 1 लाख का, इंटू 6% इंटू 9/12। 9/12 क्यों, 9/12 नहीं लिख रहा आपको, ठीक है, वेट कीजिए एक मिनट। यस, मैं आपको थोड़ा सा इधर वाली साइड पे लिख करके दिखा रहा हूँ। वर्किंग नोट वन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। देखिए, ए को ए ने दिया 1 लाख का लोन, इंटू 6% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, इंटू 9/12, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते। सो इसका ए का इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा 6 2 12, 2 से कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कटे 500। 4,500 रुपीज ए का इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा। और 50,000 बी ने दिया, इसका 6% इंटू 9 मंथ का, 6 2 12, 250, 250 इंटू 9, 2,250। एक सेकंड वेट करना, 9 5 45, 9 2 18 और 4, 2,250, राइट। सो ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है जो हमें देना पड़ेगा दोनों को, 4,500 और 2,250, 6,750। ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी लोन पे, चाहे क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, क्वेश्चन में शायद इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, है ना। सो आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इसका कुछ नहीं करना है, बस रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पे ट्रीट करना था। सो टोटल लॉस कितना आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ पे लॉस को ट्रांसफर कर दो, ए और बी, ए और बी में लॉस, टोटल लॉस आ रहा है देखिए आप अपने पास 750, 18, 18 और 6, 24, 24 और 6, 30, 1,20,000, 120 का टोटल लॉस बैठ रहा है। और ये 120 को आप बांटेंगे इनका इन बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल। अब इनका कैपिटल का रेशियो क्या है, 6 और 4, 6 और 4 के रेशियो में इनका ये लॉस आया, शेयर ऑफ लॉस। वर्किंग नोट नंबर टू, ए का लॉस
1,20,000 इंटू 6/10 और बी का 1,20,000 इंटू 4/10। आप कहोगे सर ये 6 और 4 का से रेशो दिख रहा है आपको, बेटा ये जो रेशो है ना मेरे पास क्वेश्चन में कैपिटल का रेशो मेंटेन करने के लिए बोला। सो 0 से 0 कट जाएगा, बार चौकानी 72 सर 72,000 78 और 12 और चौक 48,000 48, दिस विल बी दी अप्रोप्रिएशन। इस तरीके से यहाँ पे अप्रोप्रिएशन हो, राइट कितना छोटा सा था बताओ, 1 मार्क्स की ये लाइन। अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, जिसने पूरा सही किया होगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताओ क्या था इसमें, क्लियर हो गया? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सिर्फ छोटे छोटे से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में एबीसी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2016 विद कैपिटल ऑफ रुपीस 10 लाख, रुपीस 8 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, 10, 8 और 5 लाख इनकी कैपिटल है। ऑन 1st जुलाई 2016 बी एडवांस रुपीस 2 लाख एंड ऑन 1st दिसंबर 2016 सी एडवांस रुपीस 1 लाख by way of loans to the firm. The profit and loss for the year ended 31st March 2017 disclosed a profit of 770, but the partners could not agree upon the rate of interest and loan and the profit sharing ratio. आपको partners capital और loan account बनाना। अरे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप देखो क्वेश्चन में इन्होंने by way of loan to the firm the partner, ठीक है कुछ और दिया भाई नहीं क्वेश्चन में, but the partners could not agree upon the rate of interest on loan and profit. तो दोनों को इक्वल इक्वल देना, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6% के हिसाब से होगा, राइट? आपको क्वेश्चन ने बनाने के लिए सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल और लोन अकाउंट बोला है, ठीक है? सो आइए जरा पार्टनर्स के कैपिटल और लोन अकाउंट बना देते हैं। इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की है इसीलिए बाय बैलेंस बीडी नहीं लिखा जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए आंसर नंबर 4, ए बी और सी है तीन पार्टनर से। देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी। देखिए यहां पर आप लिखेंगे बाय बैंक क्योंकि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 10, 8 और 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, ठीक है? अब आप कहोगे सर इसमें प्रॉफिट भी मिलेगा। देखिए प्रॉफिट कैसे मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में बना करके बता रहा हूँ। इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिख रहा हूं मैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनको क्या देना है, एक तो हमें इन्हें देना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोल दो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दो, अप्रोप्रिएशन बोल दीजिए क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन इनका माइनस करना है। यहाँ पे बाय जो प्रॉफिट है वो है 7,70,000, इसमें से तीनों का जिसने भी हमें लोन पे पैसा दिया, जुलाई पे बी ने 2 लाख और दिसंबर में सी ने 1 लाख रुपए लोन दिया है, तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा बस ए और बी का। ए का कितना बैठेगा, 1 लाख रुपए इन्हें दिए हैं, नहीं सॉरी बी और सी ने, सो बी का और सी का, बी का अमाउंट बनता है 2 लाख का 6% इंटू, इसमें लोन दिया है जुलाई में तो 9 मंथ का इस पे इंटरेस्ट से दिया जाए लिया जाएगा इससे, आई मीन दिया जाएगा इसे तो फॉर्म से हम लोग पे करेंगे। सो 6, 2, 12, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 लाख में से 2 0 कट गए तो 2,000 में से 2, 1,000 9,000 रुपये तो आ जाएगा इसका। और ऐसे ही आप निकालेंगे 1 लाख रुपये सी ने दिए हैं, 1 लाख का 6% दिसंबर में दिए हैं, 4 मंथ का निकालना है, ठीक है? कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है? 1 लाख का 6, 2, 12 2 से कटेगा ये 1,500, 520 2,000 रुपए इसका, ठीक है? तो 7,81,000 रुपए को हमें बांटना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अब किस रेशियो में बांटना है 7,81 को, इक्वल इक्वल बांटना है, तो ये आ जाएगा 253,53,000। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या?
2,53,000 रुपीज आ जाएगा हमारा इसमें अमाउंट। ठीक है, अब आप इसका बैलेंस शीट ही निकाल लें। बैलेंस शीट देखिए कितना आता है, बैलेंस शीट देखना पड़ेगा यार, एक सेकंड रुकना ना। बैलेंस शीट का जो अमाउंट आता है ये टोटल आ जाएगा आपका 7,81,000 रुपये। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, इसकी कैलकुलेशन इतनी बैठ रही है ना, 10, 8 और 5। यहाँ पे आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट देना है इसको 253, 253, 253। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दी, बैलेंस शीट 1253, 1053 और 753 है ना। ये जो 53 है ना, ये मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, है ना, वो आप देख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, 7, 7.5, 8 कुछ एक अमाउंट का चेंजेस होगा, वो आप माइनस करना है। एक्चुअली ये मैंने प्लस कर दिया, ये 11,000 रुपये माइनस करना है, सो 10,001 59 समथिंग कुछ ऐसा कुछ आने वाला है, 759 समथिंग कुछ आना, आप देख लेना 7,00,000 आएगा। जो भी आएगा वो आप देख लेना माइनस करके। अब एक बी का लोन अकाउंट बनाना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप इतना। सो मैं बी का लोन अकाउंट बना दूं, ठीक है, हटा दे। देखिए लोन अकाउंट में तीनों का लोन अकाउंट बनाना है, एबीसी तीनों ने, बी और सी ने दिया है शायद लोन का, केवल दो लोगों का बनेगा, बीसी डीसी, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्टनर्स के लोन अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे जब आपने इनसे लोन लिया है ना, सो इस तरीके से लिखा जाएगा, 1 जुलाई को तो बाय बैंक किससे लोन लिया है, बी से 2 लाख का। ठीक है, और सी से लिया है हमने 1 जुलाई के बाद, कौन सी डेट आई थी, 1 दिसंबर को शायद, तो यहाँ पे लिया था 1 लाख रुपए। ठीक है, और इनका जो इंटरेस्ट है वो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 और 2,000 रुपए, 9,000 इसका 2,000 इसका। ठीक है, यहाँ पे निकाल लीजिए बैलेंस शीट, बस दैट्स इट, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। मैंने डेट लिख दिया, डेट अपना सी वाले में मत लिखना, अलग से कॉलम बना, 2,09,000 इसका आ जाएगा और 1,02,000 रुपए इसकी आ जाएगी, टोटल कर लीजिए, आंसर मैच हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आ गई बात समझ में, इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने थे। सो आप देख लीजिए 40 मिनट भी नहीं लगे मेरी ऑलमोस्ट क्लास में, और मैंने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 1 आवर से ज्यादा का नहीं था ये टेस्ट। ठीक है, मेरी तरफ से सफिशियंट टाइम आपको मैंने दिया था, राइट। आप कोई डाउट हो तो पूछ ले, ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है टेस्ट सीरीज 1 का।